नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में खड़े ट्रक में लगी अचानक ही भीषण आग। जी हां, जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे एक ट्रक में अचानक ही भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग से ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह से जल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही ट्रक में लगी आग को बुझाने का भारी प्रयास किया। वहीं विश्वविद्यालय में मौजूद दमकल वाहन भी पहुंचा और ट्रक में लगी आग को बुझाया गया। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के अंदर लगे खंभे के तार के कारण यह हादसा हुआ है। अच्छी बात तो यह है कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मौके पर मौजूद छात्रों का कहना था कि इस ट्रक में ईवीएम मशीन लाई गई थी। वहीं जानकारी लगते ही घटना स्थल पर पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग को बुझाया गया। यार, हम लोग की गाड़ी ऑलरेडी यहाँ चुनाव में लगी हुई थी ईवीएम में, तो पता चला पुलिस वाले लोग को सूचना दी कि भाई 5 नंबर गेट के पास ट्रक में आग लगी हुई है और नरवारी भी लगी हुई है। तो हमको तुरंत तत्काल आए, हम लोग ने उसको कवर किया, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक में थोड़ा टायर आयर जले हुए हैं और मालिक और उसके कंडक्टर सब सुरक्षित हैं। वजह क्या निकल कर आई? वजह कुछ अभी अपन कुछ कह नहीं सकते कि भाई ऊपर शॉर्ट सर्किट मान लीजिए, क्योंकि ट्रक रिवर्स कर रहे थे, जनता हुआ मिला क्योंकि हमको तो ऑलरेडी किसी प्रकार की जनहानि की संभावना नहीं। किसी भाई जब मान लो कहीं उस साइड कुछ होता तो, क्योंकि बस इकट्ठी बड़ी घटना बच चुकी है। कुछ नहीं, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, हमारा जो मेज का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ से लोकसभा चुनाव के लिए जो एंट्रीज हो रही हैं, ईवीएम मशीन के लिए जो ट्रेनिंग के लिए लोग आ रहे हैं, तभी ये ट्रक आया था। ये जो ट्रक दिख रहा है उसमें ईवीएम मशीन के लिए आया था कुछ काम से, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक लग चुका था। ये यहाँ से निकल रहा था उस टाइम, यहाँ पे ये तार दिख रहे हैं आपको, तो वहाँ से स्पार्किंग हुई, इसको पीछे किया गया, थोड़ी देर वो खड़ा रहा, उसके 15 मिनट बाद ऊपर से जो त्रिपाल लगी होती है पॉलीथीन वाली, उसमें आग लग गई। 15 मिनट बाद, धूप तेज है उसकी वजह से लग गई होगी। मैंने देखा, मैं वहाँ वो कर रहा था, पॉलिनेशन कर रहा था, देखा आग लगी हुई है। ड्राइवर अंदर बैठा था, उसे कोई जानकारी नहीं थी। मैं चिल्लाया, दमकल विभाग वाले आए, पुलिस लोग आए, सब लोग आ गए। तुरंत अग्निशमन वालों को फ़ोन किया, तब वो लोग आए। देखते देखते ट्रक आधा सा ऊपर से जल चुका था, ऊपर टायर वायर रखे हुए थे। धीरे धीरे गेहूँ के नीचे जो गेहूँ की जो कटाई हुई है वहाँ भी आग लग गई। फिर तुरंत 2 अग्निशमन वालों को बुलाया गया, एक ने बुझा दी थी, फिर भी थोड़ी ज़रूरत थी क्योंकि टायर तक आगे पहुंच गई थी, तो खतरा बढ़ चुका था। सारे पुलिसकर्मी आ चुके थे टाइम पे, सभी को अलग अलग किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। बहुत बड़ी घटना हो जाती क्योंकि वो अंदर था, मुझे लगता है उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आग जो पकड़ी गई थी ऊपर जो त्रिपाल लगी थी उससे पकड़ी थी, और सबसे ऊपर किसी ने नहीं देखा था फ्लोर में। मैं तो पॉलिनेशन कर रहा था, तो मेरा ध्यान उस टाइम गया, तो मैंने चिल्लाया, तब वो खिड़की से देख रहा था। अब उसके पास इतना कंटेनर था, उतने से कंटेनर में कैसे आग बुझती, आप बताइए। उसने फिर भी कोशिश की, ट्राई किया, बहुत बड़ी घटना थी ये। तो ऐसा हुआ कि पुलिस शासन, दमकल विभाग और अग्निशमन वाले टाइम पर पहुंच गए, तो आज ये बच गया। साथ में हमारा यहाँ कल गेहूं की भी कटाई हुई है। अच्छी बात ये थी कि आज गेहूं नहीं खड़ी, यदि फसल खड़ी होती तो पूरा खेत चौपट हो जाता। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।